पंजाब दे जलंधर शहर विच कांग्रेस पार्टी वालों आयोजित एक प्रोग्राम विच शिरकत करन लई पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश चौधरी पहुंचे। इस दौरान गल करदिया हरीश चौधरी ने प्रधानमंत्री दे किसानां दे बिलां नूं रद्द करन दे फैसले नूं किसानां दे हक विच दस्सिया। उत्थे ही चौधरी ने प्रधानमंत्री दे बिल रद्द करदे समें किसानां दे हित विच बिल होण दी गल दोहराउण दी निंदा कीती है। चौधरी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी खिलाफ लड़के राज विच सरकार बनाउंदे ने ते हुण बीजेपी दे नाल ही मिलके सीटां दा बंटवारा करन लगे होए ने। पंजाब दी जनता उन्हां नूं जवाब देवेगी। उते ही चौधरी ने यह भी कहा कि देश आर्थिक रूप तो पिछड़ गया है। देश विच अडानी ते अंबानी परिवारां नूं ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने पंजाब विच वड्डे लोकां दा साथ नहीं दिता, सगों बिजली दे बिलां नूं माफ करके गरीब वर्ग नूं राहत दित्ती है। आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत, अहंकार की हार। तीनों कृषि कानून रिपील करने की प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी है वो किसानों की जीत। पर जो शब्दों का इस्तेमाल और भावना प्रकट की वो काफी निंदनीय है। रिपील करते वक्त भी वो जस्टिफाई कर रहे थे कि ये बिल किसान के हित के थे। प्रधानमंत्री जी, किसान इतने अज्ञान नहीं है, उनके भले की क्या चीज है वो किसान अच्छी तरह से जानते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए के टैक्स इन कॉर्पोरेट्स के माफ करें, वो भी देश देख रही है। वो ताकत कहाँ से? वो आम लोगों की ताकत, उन बड़े कॉर्पोरेट्स को आप लोगों ने दी, और जो उनके खुद के पास अधिकार थे वो अधिकार भी आप लोग छीनना चाहते हो। कैसे ये बिल किसानों के हित के थे? ये पूरे देश के किसानों के एकजुट होकर एकजुटता का ही परिणाम है कि आज ये कानून रिपील हुए। कैप्टन ने बड़ा बयान दिया है कि पीएम ने किसानों की चिंता समझी, बोले कि बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ो। कैप्टन साहब को अपनी सीट शेयरिंग और सत्ता दिख रही है। आज किसानों को जब आवश्यकता है तो आज हमको किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। सीट शेयरिंग, सियासत, चुनाव आते रहेंगे, ये लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल के बाद आएंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंजाब ने मैंडेट दिया, राज्य सरकार बनाकर और लोकसभा के अंदर वोट देकर, आज आप अपने खुद के लिए ये गठजोड़ कर रहे हो तो पंजाब इसका फैसला खुद करेगा। कहीं ना कहीं ये जो कृषि कानून वापस ले रहे हैं, ये जो यूपी इलेक्शन है उसको देख के ले रहे हैं? ये सिर्फ किसान की एकजुटता के कारण ले रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। आज एक साल किसानों को, 700 किसानों की शहादत, हर प्रकार का विवाद कुचलने की कोशिश, किसानों की कुचलने की कोशिश, उनको जो मदद करने वाले थे अड़थियाओं उनको कुचलने की कोशिश, जो मीडिया हाउसेज या पत्रकार उनके लिए आवाज उठा देता है, उनके दबाने की कोशिश, वो तमाम कोशिशें विफल रही। आज नवजोत सिंह सिद्धू सुल्तानपुर लोधी पहुंचे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में कहा कि जो पंजाब के सीएम हैं वो लोगों से झूठे वादे ना करें, उन्हें लॉलीपॉप ना दें। नवजोत सिंह जी सिद्धू किसी को भी ये सलाह अगर देते हैं कि झूठे वादे नहीं करें तो वो सही है। अगर मेरे को भी अगर वो सलाह देंगे कि झूठी बात नहीं करें तो उसमें गलत है। नहीं, आज जो देश के अंदर आर्थिक, मैं कह रहा हूँ कि जो देश के अंदर आर्थिक, नहीं ये देश के अंदर जो आर्थिक स्थितियाँ हुई हुई है, डीमोनिटाइजेशन जिसे हम नोटबंदी कहते हैं, GST के मार्फत से, हाँ मैं देश की फाइनेंशियल कंडीशंस होगी, उसमें अंदर ही पंजाब के फाइनेंशियल कंडीशंस होगी, फिर देश से पंजाब अलग नहीं है। तो आज जो भी देश को प्यार करता है, देश को समझना चाहता है कि जो आर्थिक स्थितियाँ बनी हुई है वो हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। सवाल यह आता उठता है कि जो भी हम लोगों के पास आर्थिक ताकत है वो आर्थिक ताकत हम लोग बड़े लोगों के लिए उपयोग में लें। 3 लाख करोड़ रुपये जब अडानी और अंबानी के लिए माफ़ किए जाए, या आम जो उपभोक्ता है उनकी बिजली के बिल माफ़ किए जाए। ये हम लोगों के सामने दो तरह की व्यवस्थाएं थी, कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने आम जो लोग थे उनके बिजली के बिलों में राहत दी, जो 17 रुपये प्रति यूनिट जो बिजली के अनुबंध हुए हुए थे उनको रद्द कर वो पूरी की पूरी ताकत बड़े लोगों के जगह आम लोगों को करिए। उन्होंने कहा वानी का माफिया और केबल माफिया जो 1% लोग हैं सरकार उनकी हितैषी बनी हुई है, जबकि उनसे वो टैक्स लेके जो 99% लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। नहीं, सबके
चाहे कोई भी माफिया हो या केबल माफिया, किसी भी प्रकार का माफिया हो, सबके सामने मजबूती से कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर रही है। ये लैंड ऑफ लॉ है। मैं क्या कह रहा हूँ, लैंड ऑफ लॉ है। जो भी होगा तो जो कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से तो होगा। नहीं नहीं, नाराज नहीं, उनका बात है, नहीं उनकी बात नहीं है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जलंधर के अंदर वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स पड़े, क्योंकि पूरी देश की मीडिया की अगर कोई राजधानी थी वो जलंधर थी। जितने भी हम लोगों के कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जलंधर की मीडिया का हाउसेज के पास पड़ा है। उस वक्त भी हम लोगों की राय अलग रहती थी, हर मुद्दे के ऊपर राय लेती थी। ये मोदी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है कि एक राय रखे या अपनी अपनी राय रखने की कांग्रेस के अंदर व्यवस्था। ये भारत है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि अपनी हर कोई राय रखना है, रखना चाहता हूँ अपनी राय रखे। A South Asian Canadian channel.